नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीता धाकड़ और मेरे चैनल ब्लेजिंग स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट मोतीचूर के लड्डू, यानी कि बूंदी के लड्डू। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमने ली है 2 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी हमने लिया है बेसन और 1 चम्मच हमने लिए हैं खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज ऑप्शनल हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे शक्कर। ये मैंने 2 कटोरी शक्कर डाल दी है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी पानी, यानी कि शक्कर का आधा हम इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको हमें कंटिन्यू शक्कर घुलने तक चलाना है। ये शक्कर बढ़िया से घुल चुकी है, देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और इसको उबाल आने तक चलाएंगे। हमें चाशनी को गाढ़ा नहीं करना है, पतला ही रखना है, इसलिए हम इसमें उबाल आने देंगे। बस उसके बाद गैस बंद कर देंगे। ये बढ़िया से उबाल आ चुका है, देखिए। और मैं चाशनी दिखाती हूँ किस तरीके की बनानी है। ये देखिए, इस तरीके की हमें चाशनी बनानी है। बूंदों में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तारा आना चाहिए, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, अब हम गैस बंद करेंगे। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, बस लास्ट की बूंदों में थोड़ा थोड़ा तार बनना चाहिए। ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है और मैंने गैस बंद कर दी है। अब हम बूंदी के लिए बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 बड़ा बाउल ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे बेसन। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये मैंने बेसन डाल दिया है। अब इसको हम चम्मच या हैंड विस्कर की हेल्प से घोलेंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसको कंटिन्यूस चलाती रहूंगी। ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है, देखिए। इस तरीके का बैटर बनाकर हमको तैयार करना है। ये हमारा परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें 2 चम्मच बैटर निकाल कर अलग कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी बाउल लेंगे, उसमें भी 2 चम्मच बैटर निकाल कर अलग कर देंगे और बचे हुए बैटर में हम मिला लेंगे येलो कलर। आप चाहे तो हल्दी भी मिला सकते हैं यदि आपके पास कलर नहीं है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम कर देंगे एक साइड और एक बाउल ले लेंगे जिसमें हमने बैटर डाला था। इसमें डाल देंगे हम सेफ्रॉन कलर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको भी हम साइड में कर देंगे। अब हम दूसरी बाउल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे हम ग्रीन कलर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है। अब हम करेंगे बूंदी को फ्राई। बूंदी को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल को होने देते हैं हम बढ़िया से गर्म। तेल एकदम बढ़िया से गर्म होना चाहिए। तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम झज्जर की हेल्प से डाल देंगे बूंदी। ये देखिए बहुत बढ़िया बूंदी निकल रही है हमारी। अब प्लेन झज्जर से भी बूंदी बना सकते हैं, जो कि सबके घर में आसानी से अवेलेबल होता है। ये हमने बूंदी निकाल ली है और बूंदी को सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये हमारी बूंदी सिक चुकी है। ध्यान रहे कि गैस लो फ्लेम पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी बूंदी चिपकेंगी। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब इनको हम निकाल लेते हैं। और इनको हम डाल देते हैं चाशनी में। ये मैंने बूंदी को चाशनी में डाल दिया है और इनको अच्छे से चाशनी में हम डुबो देंगे।
इसी तरीके से बचे हुए बैटर की भी हम बूंदी बना लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया बूंदी बन रही है हमारी। आप चाहे तो इस बूंदी को रायते में भी यूज कर सकते हैं, ये ऐसे ही नमक मिर्ची मिलाकर नमकीन बनाकर भी खा सकते हैं। इसको भी हम चाशनी में डाल देंगे। हमें इसे बराबर चलाते रहना है। इसी तरीके से हम अपनी बूंदियों को चाशनी में डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। अब हम बनाएंगे सैफ्रन कलर की बूंदी। यदि आपको लगे कि आपका बैटर गाढ़ा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, और यदि आपको लगे कि पतला है तो थोड़ा सा उसमें बेसन मिला लीजिए, आपका बैटर परफेक्ट हो जाएगा। ये हमने बूंदियों को निकाल लिया है, अब इनको थोड़ा सा हम चला देंगे। ये हमारी बूंदी सिक चुकी हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे और इनको भी हम पहले वाली बूंदी में मिक्स कर देंगे, यानी कि पहले वाली चाशनी में ही मिला देंगे। और इनको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। यदि आपको लगे कि आपकी चाशनी ज़्यादा है, थोड़ा सा बेसन घोलकर और बूंदी बना सकते हैं। अब हम ग्रीन कलर की बूंदी बनाएंगे। ये हमारी ग्रीन कलर की बूंदी बनकर तैयार हो चुकी हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। इनको भी हम पहले वाली बूंदी मिक्स कर देंगे, अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए मेरी चाशनी एकदम बढ़िया है और बराबर है, मुझे बनाने की ये कम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि चाशनी को 3-4 मिनट गैस पर गर्म कर लेंगे, इससे हमारी बूंदी नर्म हो जाएगी, उनमें अच्छे से चाशनी भर जाएगी। ये हमारी बूंदी गर्म हो चुकी है, हम गैस बंद कर देंगे, इसको होने देंगे ठंडा। अब हम अपने खरबूजे के बीज को रोस्ट कर लेते हैं जिससे कि इनका मॉइस्चर निकल जाए। ये हमारे खरबूजे के बीज अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, यानी कि सिक चुके हैं, हम गैस बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। ये हमारी बूंदी ठंडी हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी गर्म है, हमें एकदम ठंडा नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे खरबूजे के बीज और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया बूंदी बनी है हमारी। अब इसके बनाएंगे हम लड्डू। यदि आप लड्डू नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बूंदी खा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का लड्डू बनाकर हमें तैयार करना है। बहुत बढ़िया लड्डू बना है हमारा। ये देखिए बहुत बढ़िया लड्डू बन रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने लड्डू बना लिए, देखिए बहुत बढ़िया बने हैं हमारे लड्डू। ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं हमारे लड्डू। ये हमारे बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।